पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड से अपना पोर्टफोलियो भर दें। इसीलिए जरूरी है कि पोर्टफोलियो का मेकओवर हो। सही एसेट एलोकेशन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही डाइवर्सिफिकेशन यानी पोर्टफोलियो में सही बैलेंस रखना। तो आज इसी पर रहेगा ईयर मनी का फोकस और साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल और आज जो हमारे साथ रूंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर और CFP हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। हर्ष, यहाँ पे जब भी हम शो करते हैं तो सबसे पहले जो गुरु मंत्र दिया जाता है निवेशक को कि अपने पोर्टफोलियो को आप वेल डाइवर्सिफाइड रखिए। एक तो होता है कि आपका एसेट एलोकेशन अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड हो, दूसरा आपके एसेट एलोकेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। इन दोनों के मतलब क्या है? वेल कविता, अगर हम जो चीज सुनते हुए आए हैं बचपन से, स्कूल में भी सुना है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, उसका मीनिंग ही ये था कि आपकी जो भी पूंजी होती है आप कोई भी अपनी सारी पूंजी एक ही जगह पे नहीं रखते हैं, आप उसे अलग अलग बास्केट्स में रखते हैं, उसे स्प्रेड करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अब अगर हम इसे एक फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से समझें तो हमारे कौन से एसेट्स ऑप्शंस कितने हैं आपके एसेट्स के लिए? आपके पास इक्विटी है, डेट है, उसमें डेट में आपके फिक्स डिपॉजिट्स आ गए हैं, आपके पास रियल एस्टेट है, आपके पास प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर वगैरह हैं। अगर हम देखें तो एवरी एसेट, हर एसेट की कोई ना कोई प्रोज है और कोई ना कोई कॉन्स है, मतलब कोई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम इक्विटी अगर समझें फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी में आपके पास मार्केट की वोलेटिलिटी रिस्क है। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि मार्केट प्राइसेस जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है मार्केट। अगर हम इसमें आपका जो दूसरा सवाल था कि विद इन इक्विटी ऑल्सो अगर हम देखें कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो ये एक एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं। मार्केट्स में सिस्टमैटिक रिस्क होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। अगर हम 2008 की जो क्राइसिस देखें, 2008 में इरिस्पेक्टिव आपके कौन सी कंपनी के स्टॉक्स थे, मार्केट क्रैश हो गया था और इतनी बुरी तरह हुआ था कि अच्छी से अच्छी कंपनीज भी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके मार्केट शेयर अच्छा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनकी भी शेयर्स ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द प्राइस में मिल रहे थे। सो अब इसके पीछे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो अगर आपने ये एक हो गया सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसमें है कि आपने अगर इक्विटीज में खरीदना है, डायरेक्ट इक्विटीज आप निवेश कर रहे हैं, तो आप अपने सारे पैसे कोई भी एक कंपनी पर नहीं लगाएंगे जी। आप उसे स्प्रेड करेंगे इन डिफरेंट कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स कि अगर कोई कारण से इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो अच्छा नहीं रहा तो बैंकिंग स्टॉक्स पे असर आने वाला है, लेकिन आपका पूरा पोर्टफोलियो बैंकिंग स्टॉक्स का नहीं है। सो आपके पास अलग अलग सेक्टर्स के होने चाहिए, अलग कंपनीज होनी चाहिए। सो वो एक डाइवर्सिफिकेशन एक तरह का, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन विद इन द एसेट क्लास। फिर आप अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में सारे पैसे अगर मिड कैप्स में लगाते हैं तो वो भी एक अपने आप में एक रिस्क है। आपने डाइवर्सिफाई करके आपको दूसरी कैटेगरीज में भी लगाना है, आपको लार्ज कैप में भी एक्सपोजर लेना है, मिड कैप में लेना है। सो ये एक सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो गया, फर्स्ट लेवल एसेट कैटेगरी में, और फिर विद इन द कैटेगरी भी आप अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अब आप दूसरा एसेट क्लास ले लीजिए जो है फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट्स में भी रिस्क है। अब उसमें क्या रिस्क है आपका? आपका रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क और एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है कि आज आपने अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में लगाए, अगर टैक्स काटने के बाद में आपके हाथ में जो रिटर्न आ रहा है वो अगर इन्फ्लेशन से भी मीट नहीं करता, सपोज एक एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लेशन की दर 7% है और आपको जो टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में जो पैसे आते हैं वो है 6%, सो आपका एक्चुअली यू नो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इरोड हुआ है हर साल का। सो वो एक रिस्क है अपने आप में। आपको लगता है प्रिंसिपल सेफ है लेकिन उसका इनडायरेक्टली आपका एक्चुअल प्रिंसिपल भी लॉस हो रहा है क्योंकि परचेसिंग पावर हर साल कम होती जा रही है। दूसरा है कि आपका एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। आपने आज एक फिक्स डिपॉजिट किया है, मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट अच्छे थे तो आपने एक हाई इंटरेस्ट रेट पे अपना फिक्स डिपॉजिट ब्लॉक कर लिया है। 5 साल बाद आप अगर इसे रिन्यू करने जाते हैं और 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट अगर घटे हुए हैं तो आपको वापस एक लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो वो लोअर इंटरेस्ट आपको आपकी कैश फ्लो पे असर देता है। जहां पे आपको एक्स अमाउंट हर साल का आ रहा था, अब आपको एक्स माइनस जो लोअर रिटर्न है वो आएगा, तो आपकी कैश फ्लो में काफी असर आने लग जाता है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें एज एन एसेट क्लास, रियल एस्टेट में एक प्रॉब्लम है कि आप उसे यूनिटाइज नहीं कर सकते। आपने अगर एक प्रॉपर्टी ले रखी है 50 लाख की और आपकी फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सपोज 10 लाख की है, सो आप एक बेडरूम जाके नहीं बेच सकते और बाकी का फ्लैट रख लें, आपको पूरा फ्लैट ही बेचना होगा। दूसरा, रियल एस्टेट एक आमतौर पर थोड़ा इलिक्विड एसेट होता है कि इतना इजीली बिकता नहीं है, बिकने को बिक जाता है, नहीं बिकने को 2 साल में भी नहीं बिकता। सो आप सारे पैसे अगर रियल एस्टेट में रखें और आपकी कोई फंड रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल, तो अब इन सब बातों
को ध्यान में रखते हुए हर्ष, एक सही मिक्स कैसा होना चाहिए, सही एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन कैसे होना चाहिए, और एसेट क्लास में भी अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन कैसे होना चाहिए, एक एक निवेशक को कैसे ये बात समझ में आए कि ये मेरे लिए सही डाइवर्सिफिकेशन है मेरे गोल के लिए? वेल, इसमें दो तरीके हैं। पहले है कि आप एक एक अपना गोल बेस्ड बनाते हैं, उसमें टाइम होराइजन आता है, उसमें आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग आती है, उसमें सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं और फिर आपका एक एसेट एलोकेशन बनता है। सो उसमें एज हो गई, जैसे हमने बात की आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग हो गई। दूसरा नजरिया ये है कि आप अगर एक प्योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आप एक ऐसे ऐसे आप सोचिए कि आपको आपके पूरे पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज रिटर्न क्या मिलना चाहिए। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको पूरे पोर्टफोलियो पे आपको अगर 10% रिटर्न चाहिए, सो आप अगर 50% फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं जिसमें आपको नेट ऑफ टैक्स 6% मिल रहा है, और आप 50% इक्विटीज में लगाते हैं जिसका आप अनुमान लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म में 14% रिटर्न मिल रहा है। सो वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो का जो रिटर्न देखते हैं वो 10% हो गया आपका, क्योंकि 50% आपका 6% में, 50% 14% में। अगर आपको 12% रिटर्न चाहिए तो आपका जो एलोकेशन इक्विटी में होगा वो 80% होगा और डेट में 20% होगा। सो हम अगर वेटेड एवरेज रिटर्न देखें एट द सेम रेट ऑफ रिटर्न तो आपका 12.4% आसपास आता है। सो ये रिटर्न्स को नजर रखते हुए होता है, लेकिन जो राइट तरीका है वो ये है कि आप अपने गोल्स के साथ अलाइन करें। बिल्कुल। अगर आपकी 2 साल के बाद कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए आप इक्विटी में नहीं कर सकते, भले ही आप 25 या 30 साल के हो। जी। आपको उसे डेट में करना होगा या इक्विटी का छोटा पोर्शन आप ले सकते हैं एक्सपोजर। सो एसेट एलोकेशन का जो पर्पस है वो यही है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, टाइम होराइजन है, जो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग है, उसके बेसिस पे आपका एक प्लान बनता है जो हर इंसान के लिए अलग होता है। बिल्कुल। एक कॉमन सा एग्जांपल मुझे यहाँ पे देना होगा। जर्मनी में अक्सर ये सवाल हमें आते हैं, आपने भी नोट किया होगा, जहां पर एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 15-15 और 20-20 म्यूचुअल फंड शामिल कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि हमारे फंड जो है एक ही तरह परफॉर्म कर रहे हैं, रिटर्न एक ही तरह का आ रहा है, तो ये रणनीति भी बिल्कुल गलत होगी। एग्जैक्टली। नाउ हमने बात की डाइवर्सिफिकेशन की, अब आप बात करिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल। अब किसी को अगर 10,000 रुपए डालने, अगर वो 1,000 रुपए की 10 स्कीम लेता है तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। जो पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो आपकी 4 या 5 स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं वो हो जाता है। कारण ये है कि आपने अगर एक लार्ज कैप फंड्स लिए हैं तो आप जो पैसे दे रहे हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में जा रहे हैं, और आपने 5 अगर डिफरेंट फंड लिए तो आप अगर उनके पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे कॉमन स्टॉक्स बहुत सारे रहेंगे। सो फंड मैनेजमेंट एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे लोग इतना सारा अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स जोड़ लेते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती। आप एक कैटेगरी के लार्ज कैप का आप एक फंड ले लीजिए या दो ले लीजिए, मिड कैप का 1 या 2 मैक्सिमम, तो इस प्रकार आपका डाइवर्सिफिकेशन सफिशिएंट है। ईच स्कीम में 40 से 50 कंपनीज होती है, तो डाइवर्सिफिकेशन अपने आप में हो ही रहा जब आप स्कीम में कर रहे हैं। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से निवेशक लालच के चक्कर में आके उन्हें लगता है कि ज्यादा फंड अगर मेरे पोर्टफोलियो में है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आपको अपने गोल्स और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, और ध्यान रहे कि एक अप्रोच जो है वो काफी बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी ओवर डाइवर्सिफाई आपको नहीं होना है क्योंकि उसके चलते आपको ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। इसी के साथ योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहे हमारे साथ। आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए आप बने हुए हैं हर्षवर्धन रूंगटा, और आगे बढ़ते हैं अंशुल कुमार, हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, गुड इवनिंग, बताएं कहां से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूं। बताइए क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, आपके गोल्स क्या है लाइफ में? मैडम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके। और अभी रिसेंटली आपके चैनल के थ्रू मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ा नॉलेज हुआ, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और मेरे ख्याल से इसी के मद्देनजर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाने के बारे में भी सोचा है, निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं शायद आप? निवेश स्टार्ट करना चाहता हूँ फ्रेश, अभी मेरा ज्यादा एक्सपोजर नहीं है निवेश में। सो मेरा अर्निंग 70,000 पर मंथ है। ओके। और मेरी वाइफ का अराउंड 35,000 पर मंथ है। ओके। तो मंथली एक्सपेंडिचर अराउंड 40,000 है। सो अभी फ्रेश निवेश करना चाहता हूँ, एंड गोल शॉर्ट टर्म 5 ईयर्स का गोल एक घर के लिए डाउन पेमेंट 30 लाख का क्रिएट करना है। ओके। एंड देन चाइल्ड एजुकेशन आफ्टर 15 ईयर्स to have around 60 lakhs. Okay. And then retirement I want to plan around 2 crores. ठीक है। So, आपकी उम्र 30 साल है?
Yes, my age is 30 years. So, मुझे कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, सिंगल पोर्टफोलियो बनाना है या मल्टीपल पोर्टफोलियो बनाना, तो थोड़ा गाइडेंस चाहिए. बिल्कुल, आपको बताते हैं कि क्या आपको रणनीति अपनानी चाहिए. लेकिन उससे पहले आपने कहा कि आपने ज्यादा कुछ निवेश नहीं किया हुआ है, यानी आपने थोड़ा बहुत निवेश किया है, वो क्या है? मैडम मोस्टली पीपीएफ में है और उसमें पीएफ में है. That's it. LIC है एक, लेकिन बहुत छोटा है. एंड आपको पॉलिसी का? LIC का है. LIC मनी बैक पॉलिसी थी, बहुत पहले की थी, बट आई एम प्लानिंग टू हैव दैट. ठीक है, आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, आई एम प्लानिंग, आई एम शॉर्टिंग, आई एम ट्राइंग टू फाइनलाइज. ठीक है, और आप हर महीने 15,000 रूपए निवेश कर सकते हैं और आपकी वाइफ जो है वो 10,000 रूपए निवेश करने की क्षमता रखती है हर महीने. चलिए आपको एक निवेश रणनीति हम बताते हैं. हर्ष यहाँ पर ये फ्रेश इन्वेस्टर ही है और अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने गोल्स यहाँ पर लाइन अप किए हैं. हालांकि एक मिड टर्म गोल है और बाकी दो इनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं. जो निवेश करना चाहते हैं वो अमाउंट फिलहाल काफी ठीक ठाक लग रहा है, तो सबसे पहले इनके इंश्योरेंस से मैं चाहती हूँ कि आप शुरुआत करें. वेल अंशुल, करेक्टली आपने बताया है कि आप चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि आप एक टर्म प्लान लें. हालांकि आपके एज ऑफ राइट नाउ आपकी जो स्पाउस है वो भी अर्निंग है, सो इंडिपेंडेंट है, बट इट्स अ गुड आइडिया कि आप अदरवाइज भी एक टर्म प्लान लें, क्योंकि गोइंग फर्दर आप होम लोन ऐड करेंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो यू कैन बाय अ टर्म प्लान राइट नाउ. आप जो कवर लेंगे वो लगभग 10 to 15 times ऑफ एनुअल इनकम लीजिएगा, तो आपके लिए फिलहाल ठीक रहेगा. So that is with regards to his life insurance cover. जगह अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने जो गोल्स बना रखे हैं वो एकदम क्लियर है कि इन्हें डाउन पेमेंट के लिए पैसे चाहिए अपने घर खरीदने के टाइम, फिर इन्हें बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से, और फिर रिटायरमेंट के पर्पज के लिए. सो जो इन्वेस्टमेंट है इन्हें करीबन 30% इनका जो टोटल इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो 30% इन्हें एक इनकम फंड में निवेश करना चाहिए. डेट ओरिएंटेड होगा. कारण ये है कि ये इन्हें एक इमरजेंसी फंड के लिए तौर पर काम करेगा. दूसरा, एक इनका जो घर का डाउन पेमेंट करना है उसके लिए भी ये काम आ जाएगा. बिल्कुल, इनफैक्ट इमरजेंसी फंड आप इनको रेकमेंड कर रहे हैं. मेरे ख्याल से हर निवेशक के पास, हर शख्स के पास एक इमरजेंसी फंड रहना ही चाहिए. एब्सोल्युटली, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि उन्होंने बताया इनका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ पीपीएफ, पीएफ और एलआईसी में है, तो इमरजेंसी फंड बोल के इनके पास लिक्विड एसेट्स जो है वो नहीं है. तो बिसाइड्स हिज रेगुलर सैलरी, इन्हें 3 months का जो इनकम है इनका या एक्सपेंडिचर है वो इन्हें लिक्विड फंड या इनकम फंड के तौर पर रखना चाहिए. और आगे जाते हुए सेम फंड जैसे रिप्लेनिश होते रहता है. अगर हम इनके खर्चे देखें तो 40,000 rupees पर मंथ है. सो इन्हें लगभग 1,20,000 से 1,50,000 के पास इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए. उसके ऊपर जैसे जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years वो इसे डाउन पेमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं. बाकी का जो 70% है वो सारे इनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं. सो 70% ये इक्विटीज में निवेश कर सकते हैं. okay. और जो हम बात करें 30% या 70% हस्बैंड वाइफ की बोथ इनकम और जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो मिला के देख रहे हैं. सो इनका 25,000 पर मंथ इन्वेस्टेबल सरप्लस है. सो उसका 70% इन्हें लॉन्ग टर्म इक्विटी टाइप के एसेट्स में निवेश करना चाहिए. चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल अंशुल आपको हमने इमरजेंसी फंड बनाने पर सलाह दे दी है, लेकिन साथ ही आपको बता दें सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेना, जो कि आपकी एनुअल इनकम का लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा होना चाहिए. और जैसे कि हर्ष ने भी सही पॉइंट आउट किया है, आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड यहां पर रखना होगा. इस बीच मैं चाहती हूं कि हम लोकसभा का रुख कर ले, जहां पर जमीन अधिग्रहण विधेयक पर वोटिंग हो रही है. चलिए, तो हम देख रहे हैं फिलहाल जमीन अधिग्रहण बिल पर यहां पर वोटिंग जारी है. इस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़.